लोग जुड़ते रहिए, आपका मैं इस एमसीक्यू बिहार सीरीज में स्वागत करते हैं, ढेर सारी शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि बस इसी तरह मुस्कुराते रहिए, भोर की तरह, सूर्य की तरह, सुबह की तरह उगते रहिए, है ना जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिहार में अधिकतम साक्षर कौन है? बिहार में अधिकतम साक्षर कौन है? शहरी पुरुष, ग्रामीण पुरुष, सभी को शुभकामना। हेलो राही, मोहम्मद जकी अनवर, निकिता कुमारी, शाहिन अंसारी, श्रुति सिन्हा, अविनाश कुमार, राजीव रंजन, अक्षय कुमार, सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग, सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। अनबॉक्सिंग सरकार, पंकज कुमार, अक्षय कुमार, रजत कुमार, मोहम्मद जकी अनवर, सबको शुभकामनाएं। पायल झा, अक्षय कुमार, शिखा वर्मा, कृष्णा कुमार, सुधांशु कुमार, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। चलो भैया तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिहार में अधिकतम साक्षर कौन है? शहरी पुरुष, ग्रामीण पुरुष, शहरी महिला या ग्रामीण महिला, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। कौन सबसे अधिक साक्षर है? शहरी पुरुष, ग्रामीण पुरुष, शहरी महिला या ग्रामीण महिला? चलिए सभी लोगों ने बेहतर आंसर किया है। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई, शहरी पुरुष। शहरी पुरुष कॉमन सेंस भी है, आखिर ग्रामीण पुरुष कैसे साक्षर होगा? महिला भी पुरुष की तुलना में ज्यादा साक्षर होगी नहीं, तो आंसर क्या होगा? शहरी पुरुष। जल्दी से आइए, नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बिहार स्पेशल ले रहा। निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार बिहार से नहीं थे? इनमें से कौन से ऐसे साहित्यकार थे जो बिहार से नहीं थे? हनीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। चलो जल्दी उत्तर दीजिए, कौन से साहित्यकार बिहार से नहीं थे? बस इसी तरीके से प्यार बनाए रखो, इसी तरीके से मेहनत करते रहो, आग लगाते रहो। आग लगा देना है, ऐसी लकीर खींचनी है जो नजीर बन जाए। कौन बिहार से नहीं थे? इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की किताब का नाम क्या है जी? भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त का नाम क्या है जी? भारत भारती, नोट कर लीजिए, भारत भारती। रामधारी सिंह दिनकर की किताब का नाम क्या है जी? रामधारी सिंह दिनकर का किताब का नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र और संस्कृति के चार अध्याय, संस्कृति के चार अध्याय, चार अध्याय। उर्वशी, उर्वशी और वेणु की पुस्तक मैला आंचल, मैला आंचल। और अभी इनकी किताब कहां पर पढ़ा जाएगा? जापान में। जापान विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल जापान में पढ़ाएंगे। ये करंट अफेयर नोट कर लो और सेशन के साथ जल्दी से जुड़ जाओ, लोगों को जोड़ते रहो। और नागार्जुन का जो कविता है उसका नाम है बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इसके अलावा इनकी कविता और भी है, इनकी कविता है हरजन गाथा, हरजन गाथा। इनकी और भी कविताएं हैं, दुखहरण मास्टर। इनकी और भी कविताएं हैं, कौन सी? अकाल और उसके बाद। भैया तो बिहार से कौन नहीं है? मैथिली शरण गुप्त। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए, बिहार स्पेशल। बिहार में राष्ट्रकवि के नाम से किसे जाना जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति या नागार्जुन? किसे बोला जाता है बिहार में, किसे बोला जाता है राष्ट्रकवि? चलिए एस मनी, आर्मी, कुंदन, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। रितेश कुमार जी, सभी लोग उत्तर दीजिए, सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। सबका मिशन 50 के इस चैनल पर ढेर सारी स्वागत है भैया, ढेर सारा इस चैनल पर स्वागत है। मैं लगातार अब हर दिन 15 MCQ लाऊंगा, मेरा प्लान है भैया 1000 MCQ पीटी से पहले करा दूंगा। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो, दुलार बनाए रखो। इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये पहले हिंदी के कवि हैं
जो राज्यसभा के मेंबर बने। राज्यसभा के मेंबर बनने वाले पहले हिंद के कवि रामधारी सिंह दिनकर, बेगूसराय सिमरिया घाट। इनका जन्म कहां हुआ जी? बेगूसराय में सिमरिया घाट, बिहार के आन बान और शान। रामधारी सिंह दिनकर आगे आइए, विद्यापति, इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं और नागार्जुन के बारे में मैंने बताया है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला प्रश्न जल्दी से बताओ, कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाती है? कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली रीजनल लैंग्वेज कौन सी है मेरे भाई? मैथिली, संथाली, बोडो या डोगरी? सबसे पहली बात कि बिहार में संथाली बोली नहीं जाती, बोडो असम में बोली जाती है। ई दूगो तो ऐसी साइड हो गया भाई, ये दूगो तो ऐसे ही साइड हो गया। बोडो कहां की भाषा है भैया? असम की। और संथाली झारखंड की। तो भैया बच गया मैथिली या भोजपुरी, तो सही उत्तर क्या होगा? मैथिली। मैथिली भाषा बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाती है। मैथिली भाषा नोट कर लीजिए, कहा जाई छी, कहा क्या खाई छी, ये क्या भैया? मैथिली है। 2003 में संविधान के आठवीं अनुसूची में, 2003 में संविधान के आठवीं अनुसूची में कौन सा संविधान संशोधन? 92वां। नोट कर लो, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को बिहार का जोड़ा गया? बिहार के किस भाषा को जोड़ा गया? उस रहा ध्यान से सुनो, आठवीं अनुसूची में कौन, बिहार में कौन सी भाषा को जोड़ा गया? जल्दी बताओ, इसमें हो जाएगा मैथिली और संथाली। इसमें अगर बिहार को देखो तो ये आंसर मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। नोट कर लो, बोडो डोगरी चार भाषा 92वां संविधान संशोधन के तहत, 92वां संविधान संशोधन के तहत अगर बिहार स्पेशल की बात करोगे तो मैथिली। वैसे चार भाषा जोड़ा गया 2003 में, बोडो डोगरी मैथिली और संथाली। बोडो डोगरी मैथिली और संथाली संविधान के आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अब हैं? 22 भाषा। नोट कर लो, जब आजादी मिली तो संविधान के आठवीं अनुसूची में कितनी भाषा थी भैया? संविधान के आठवीं अनुसूची में कितनी भाषा? जब आजादी मिली उस समय संविधान बना उस समय 14 भाषा, अब कितने भैया? 22 भाषा। नोट कर लीजिए, आ गया तो भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब की गई? जल्दी से उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा भैया? भाई बहादुरों जल्दी से उत्तर दे दो मेरे भाई, सेनापति आग लगानी है इस बार, सारा दुनिया फतह कर लेनी है, आग लगा देनी है, मेहनत करो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, हम आपके साथ हैं, चलते रहो। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर होगा 1974। 1974 में बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना की गई, 1974। 1974 नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार की स्वास्थ्य नीति के अनुसार प्रत्येक जिले के सदर अस्पताल के आवश्यक कितने रैंक रक्त, प्रत्येक जिले के, बिहार के सदर अस्पताल के प्रत्येक जिले में कितने रक्त बैंक खोले जाने हैं? कितने ब्लड बैंक, मिनिमम कितने ब्लड बैंक, कितने ब्लड बैंक खोलना है बिहार के प्रत्येक जिले में, सदर अस्पताल में कितने ब्लड बैंक स्थापित होने हैं भैया? इसका सही उत्तर होगा एक। कितने ब्लड बैंक? तो एक ब्लड बैंक, नोट कर लीजिए, एक ब्लड बैंक को स्थापित करना है बिहार के प्रत्येक सदर अस्पताल में, एक ब्लड बैंक बनाना है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला, बिहार राज्य खेल परिषद की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार राज्य के खेल परिषद की स्थापना कब की गई? जल्दी से उत्तर दो सभी लोग, जल्दी उत्तर दो, सेशन को शेयर कर दो, और लगातार सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक बटन, एक लाइक बटन दबा दो। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो भैया, और जल्दी से उत्तर दे दो, बिहार राज्य खेल परिषद की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर होगा 1961 में बिहार राज्य खेल परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट आइए जल्दी से, हिंदी दैनिक आर्यावर्त का प्रकाशन, बिहार में हिंदी दैनिक आर्यावर्त का प्रकाशन किस वर्ष किया गया?
बताओ जल्दी, 1940, 1941, 1944 या 1948? बिहार का जो दैनिक हिंदी दैनिक है आर्यावर्त, उसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो सही उत्तर होगा 1941। 1941 में हिंदी दैनिक का प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट आइए, अगला हिंदी दैनिक आर्यावर्त से भी क्वेश्चन है। आगे आते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शैली को मिथिला शैली भी कहते हैं? इनमें से किस शैली को मिथिला शैली के नाम से भी जानते हैं? मधुबनी शैली, पटना शैली? इस क्वेश्चन का उत्तर देना है सबको, ये क्वेश्चन का उत्तर सबको देना है मेरे भाई। देखता हूँ किसका सही होता है। निम्नलिखित में से किस शैली को मिथिला शैली भी बोलते हैं? चित्रकला की किस शैली को मिथिला शैली बोलते हैं? मधुबनी शैली, पटना शैली, मंजूषा शैली या सांझी शैली? जल्दी बताओ किस शैली को मधुबनी शैली के नाम, सॉरी मिथिला शैली के नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी शैली। मधुबनी पेंटिंग, याद रखो, भारत की एकमात्र चित्रकला, पूरे भारत की एकमात्र चित्रकला जो महिलाओं के द्वारा की जाती है। पूरे भारत में एकमात्र ऐसी चित्रकला जो केवल महिलाएं करती हैं, हालांकि अब इसमें पुरुषों का भी योगदान होने लगा है भैया। तो मिथिला पेंटिंग या फिर इसे मधुबनी पेंटिंग दोनों बोल सकते हैं, इसे शामिल किया गया जीआई टैग। अभी मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग भी मिला है, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग। मंजूषा शैली भागलपुर में, मंजूषा शैली कहाँ है जी? भागलपुर, नोट कर लो, मंजूषा शैली भागलपुर में है। भागलपुर इसमें एक चित्र फेमस है, बिहुला और बिषधरी का चित्र, नोट कर लीजिए, बिहुला और बिषधरी, मंजूषा शैली का एक चित्र फेमस है, बिहुला और बिषधरी। नेक्स्ट आइए, आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के संगीत का केंद्र नहीं है? जल्दी उत्तर दीजिए, मुंगेर, पटना, वैशाली या भागलपुर? कौन सा बिहार में संगीत का केंद्र नहीं है? जल्दी उत्तर दीजिए, मुंगेर, पटना, बिहार में संगीत का केंद्र कौन नहीं है? इसका सही उत्तर होगा वैशाली। वैशाली बिहार का पहला गणतंत्र, बिहार का पहला पूरे भारत का नहीं पूरे दुनिया का पहला गणतंत्र कहाँ बना? वैशाली। वैशाली लक्ष्मी की राजधानी, वैशाली लक्ष्मी की राजधानी। और ये वैशाली की रहने वाली थी समुद्रगुप्त की माँ, कहाँ की? वैशाली की राजकुमारी थी। चलिए नेक्स्ट आइए, आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन बिहार के अंतरराष्ट्रीय सिनेमेटोग्राफर है? बिहार के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो फिल्म में अंतरराष्ट्रीय लेवल के सिनेमेटोग्राफर हैं? एससी देशमुख, श्याम सागर, रामेश्वर सिंह कश्यप या प्रकाश झा? जल्दी से उत्तर दीजिए, बिहार के अंतरराष्ट्रीय लेवल के डायरेक्टर नहीं, ध्यान से देखना, सिनेमेटोग्राफर कौन है भैया? बिहार के अरे भैया डायरेक्टर नहीं पूछ रहा, ध्यान से देखिएगा, सिनेमेटोग्राफर पूछ रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय लेवल के डायरेक्टर नहीं। कभी कभी प्रश्न पढ़ने ठीक से न पढ़ने से भी आंसर गलती होता है, प्रश्न को ठीक से पढ़िए। इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई एससी देशमुख। प्रकाश झा तो डायरेक्टर है ना जी, प्रकाश झा तो डायरेक्टर है, सिनेमेटोग्राफर पूछ रहा है ना। एससी देशमुख बिहार के हैं और ये अंतरराष्ट्रीय लेवल के सिनेमेटोग्राफर हैं। नेक्स्ट आइए, रतिनाथ की चाची एक आंचलिक उपन्यास है, जैसे मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल जैसे एक आंचलिक उपन्यास है, वैसे ही रतिनाथ की चाची भी आंचलिक उपन्यास है। किसने लिखा? फणीश्वरनाथ रेणु, नागा अर्जुन, राजा राधिका रमन या ज्योतिश्वर ठाकुर? जल्दी बताओ किसने लिखा भैया? रतिनाथ की चाची एक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास, रतिनाथ की चाची एक आंचलिक उपन्यास है, इसको किसने लिखा? फणीश्वरनाथ रेणु, नागा अर्जुन, राधिका रमन और ज्योतिश्वर ठाकुर? सही उत्तर होगा नागा अर्जुन। नागा अर्जुन भैया ये मैला आंचल से पहले लिखा गया था, मैला आंचल बाद में लिखा गया, उससे पहले ही रतिनाथ की चाची लिख दिया गया था नागार्जुन के द्वारा। रतिनाथ की चाची लिख लो,
एक आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट और इस सेशन का अंतिम और आखिरी सवाल, जल्दी से उत्तर दो, बिहार की सर्वाधिक विकसित भाषा कौन सी है? भोजपुरी, बज्जिका, मैथिली या मगधी? बिहार के सबसे अधिक विकसित भाषा कौन सी है, सबसे ज्यादा विकसित कौन सी है? भोजपुरी, बज्जिका, मैथिली या मगही? सभी का उत्तर चाहता हूँ, सभी का रिप्लाई चाहता हूँ। कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताओ। खाई छी जाई छी यानी मैथिली। कौन सी भाषा भैया? मैथिली। मैथिली बिहार की सबसे विकसित भाषा है। कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताओ। सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग प्लीज प्लीज लाइक कर दो और सेशन को शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे इसी सेशन के साथ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, शुभकामनाएं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।